जैसा कि अब तक आपने देखा कि लेखक के घर बिन बुलाए में अतिथि का आगमन होता है, और अतिथि को आए अब 3 दिन हो गए और वह अब धोबी को अपने कपड़े धुलवाने के लिए देना चाहता है। यह सुनकर लेखक को लगता है कि अतिथि देवता नहीं, कुछ अंशों में राक्षस भी होता है। लेखक और मेहमान के बीच अब प्रेम काफ़ी कम हो चुका है, सारी चर्चाएं समाप्त हो गई हैं। अब लेखक उपन्यास पढ़ रहा है और अतिथि फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। दोनों के बीच की मित्रता ने धीरे धीरे बोरियत का स्थान ले लिया है। मेहमान के प्रति अच्छी भावनाओं ने मन ही मन गालियों का रूप धारण कर लिया है। अब लेखक ने के मन में एक ही प्रश्न है, तुम कब जाओगे अतिथि? और अब आगे सौहार्द अब शनै शनै बोरियत के रूप में रूपांतरित हो गया है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद के से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है। डिनर से चलते चले थे, खिचड़ी पर आ गए। यहाँ पे लेखक दोनों में जो दूरी बनती जा रही है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सौहार्द, सौहार्द मने आपसी प्रेम या भाईचारा, शनै शनै मने धीरे धीरे, रूपांतरित मतलब बदल जाना। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जो प्रेम था, भाईचारा था, मैत्री थी, वह धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो गई है, बदल रही है, मतलब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से उबने लगे हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। उनके मन में जो अच्छी भावना थी अपने मित्र के प्रति, अपने अतिथि के प्रति, मन ही मन अब गालियाँ वो देने लगे हैं कि कब ये यहाँ से जाएंगे? किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहाँ चिपक गया है? लेखक कहते हैं कि उसके अंदर कौन सा ऐसा आकर्षण है जिसके कारण वह यहाँ से इतना ज़्यादा वो आकर्षित हो गया है। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पाया। लेखक परिवार सहित इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर किस कारण से, किस आकर्षण से वो यहाँ पे टिका हुआ है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? और बार बार उसके मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि ये अतिथि कब यहाँ से चले जाएंगे? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधा उचका दिया। कल उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि ये कब तक रहने वाले हैं यहाँ पे? लेखक ने जवाब, उचित जवाब लेखक के पास नहीं था और उसने इशारे से ही बता दिया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब पत्नी ने ऊब ऊब कर खाने का जो तरह तरह के भोजन व्यंजन बना के दे रही दे 2-3 दिन से दे रही थी, वह अब खिचड़ी तक आ गई और बोली कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। सत्कार यानी आवभगत की जो ऊष्मा थी, गर्मी थी, मतलब मन में जो जोश था, ऊष्मा यहाँ पे जोश का अर्थ के अर्थ में प्रयोग किया गया है, वो मन में जो जोश था अवगत करने का, वो सारा समाप्त हो चुका है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए, यानी कि जब पहला दिन था तो उन्होंने खूब खातिरदारी की, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, परंतु अब उबन के मारे वे अच्छा खाना न दे करके खिचड़ी पर आ गई, जिससे कि मेहमान अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ न अतिथि। लेखक मन ही मन ये सोच रहा है कि यदि अब भी इतना होने के बावजूद यदि अब भी वह अपने बिस्तर को गोलाकार रूप ना दे, गोलाकार रूप देना यानी कि समेटना, अपने बिस्तर को न समेटे यानी यहाँ से प्रस्थान न करे, तो दोनों के बीच का संबंध अब बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है। संक्रमण माने एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जाना।
तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ न अतिथि। लेखक मन ही मन कर रहा है कि ये चरम सीमा हो गई है, अब इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। आगे वे कहते हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो तुम सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। यहाँ ये पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। वहाँ तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक मन ही मन सोच रहा है कि ये अतिथि अब जा नहीं रहे हैं, उनको मुंह पर खुलेआम कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से जाएं। वे कहते हैं कि दूसरे का घर अच्छा लगता है, शायद इसीलिए लेखक के मित्र को उनका घर अच्छा लग रहा है। परंतु लेखक कहते हैं कि स्वीट होम अपना घर है, सबसे प्यारा। यह भी लोगों के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि अपने घर में जो सुख है वह दूसरों के घर में नहीं। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मैं अब शराफत को छोड़ने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से अब गेट आउट एक वाक्य है जिसका अर्थ है चले जाओ, खुलेआम निकलने वाला है। आगे कहते हैं, अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता यह का वह अंतिम सुबह की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य में अधिक देर तक साथ एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। लेखक कहते हैं कि खर्राटा यानी रात में सोने के समय, या रात दिन या कभी भी सोने के समय जो आवाज़ नाक से आवाज़ निकलती है उसको खर्राटा बोला जाता है। लेखक गुंजायमान का अर्थ होता है गुंजित होना। लेखक कहते हैं कि जब रात के खर्राटे भरने के बाद सवेरा होगा तो तुम्हारे बिस्तर पे जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो पांचवें दिन की किरणें होंगी। और अब तुम्हारा यहाँ पे रुकना अपनी चरम सीमा पर है। तुम्हारा सम्मानपूर्ण यदि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो यही अच्छा होगा कि कल पांचवें दिन तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम देवता हो सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। पर तुम देवता हो परंतु मैं तो मनुष्य हूँ। देवता और मनुष्य कभी भी एक साथ बहुत देर तक नहीं रह सकते। फिर देवता का देवत्व तभी तक सार्थक है जब तक वो कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि देवता दर्शन देकर तुरंत लौट जाते हैं। इसीलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भी अपनी वाली करने पर उतर जाऊंगा और मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। अब तुम्हारा रहना में हम सभी के लिए उबन जैसा बन गया है, अतः अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। अब पाठ की पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के आधार पर करने जा रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? यहाँ पे ये होगा उत्तर हो सकता है, कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक अतिथि को एक यह एहसास दिलाना चाहता है कि मेहमान नवाजी करते करते अधिक अधिक दिन तक करवाना नहीं चाहिए,
काफ़ी दिन हो गया, जैसे कैलेंडर की तारीखें बदलती जा रही हैं, परंतु तुम्हारा जान तुम यहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहते। अब दूसरा प्रश्न है, अब तुम लौट जाओ, इस कथन की व्यंग्यात्मकता स्पष्ट करें। तो इसमें लेखक व्यंग पूर्वक लेखक उससे कह रहा है, मेहमान से कह रहा है कि अनेक उपाय के पश्चात भी तुम जाना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अधिक दिन तक यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तुम्हारा रहना हमारी व्यवस्था बढ़ा रही है, इसीलिए तुम यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र लौट जाओ। मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? मेहमान के आते ही लेखक का हृदय कांप उठा, उसका बटुआ मानो हिल गया। उसका ऐसा लगा कि जैसे उसे समझ में आ गया कि उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने वाली है। उसके पास क्योंकि बहुत अधिक पैसे वाला नहीं था, इसीलिए मेहमान नवाजी करने की ज़्यादा दिन तक मेहमान नवाजी करने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। रात के भोजन की को किस प्रकार की गरिमा प्रदान की गई है? रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था? लेखक को एक आघात लगा तीसरे दिन जब मेहमान ने उनसे कहा कि कपड़े धुलवाने हैं, किसी धोबी के यहाँ देकर हमें कपड़े धुलवाने हैं। उसके पश्चात अतिथि कब देवता और कब राक्षस हो जाता है, ये प्रश्न लेखक के मन में आता है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि जब अतिथि थोड़े समय के लिए आए और वापस चले जाए तो वह देवता है, और यदि ज़्यादा दिन तक टिका रहे तो कुछ अंशों में वह राक्षस का रूप ले लेता है, क्योंकि दूसरों के घर में रहना मेजबान के लिए मुश्किल का कारक हो सकता है। लेखक की मानसिक स्थिति पर कैसी थी? उस लेखक के यहाँ ज़्यादा दिन तक रुक जाने पे लेखक की मानसिक स्थिति कैसी रही? तो ज़्यादा दिन मेहमान के रुकने पे लेखक की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेहमान ज़्यादा दिन रुके, और वह तो पहले ही दिन चाह रहा था कि इतनी अच्छी आवभगत करने के बाद शायद हो सकता है दूसरे दिन की रेलगाड़ी से मेहमान चला जाए। अपने घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना घर सबको प्यारा होता है, और जो सुकून या शांति अपने घर में मिलती है वैसा शायद ही कहीं मिले। लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया? इसलिए क्योंकि लेखक ये देख रहा था कि मेहमान इनके घर आकर एकदम चैन से सो रहा है, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो किसी दूसरी जगह है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, इसका आशय क्या है? एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह जल्दी ही किसी भी बात से उकता जाता है, परंतु देवता के अंदर धैर्यशीलता होती है, सहनशीलता मनुष्य के अंदर नहीं होती जबकि देवता के अंदर होती है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि मनुष्य और देवता बहुत देर तक साथ नहीं रह सकते। पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब हम बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है मौखिक का, पहला, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? अतिथि लेखक के घर पर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक जाने के लिए का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? इसका उत्तर है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से पत्नी ने नमस्कार करके उनका स्वागत किया। रात के भोजन में 2 तरह की सब्जी, रायते और इसके अलावा मीठी चीज़ों से उनका प्रबंध किया गया, जिससे उनकी अच्छे से स्वागत की जा सके। अब चौथा प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा दी गई? तो उसका उत्तर है, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, अर्थात दोपहर के भोजन को लंच जैसा शानदार बनाया गया।
पांचवा प्रश्न है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? उसका उत्तर है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए कहा, क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता था। अगला प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने का पर क्या हुआ? उत्तर होगा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर खिचड़ी बनने लगी, खाने में सादगी आ गई, और अब भी वह नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ेगा। अब अगले कुछ लिखित के प्रश्न हैं, जो कि कुछ 20 से 30 शब्द के हैं और कुछ 50 से 60 शब्दों के हैं, जो आप स्वयं से लिखने का प्रयत्न करें।